जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बनाती, क्योंकि इतिहास से आपको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से संगठन बनते हैं और संगठन से फिर सत्ता प्राप्त होती है। तो हर मंजिल की चाबी, हर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होना है और संगठन में रहकर ही काम करना है, क्योंकि संगठन ही हर मसले का हल करता है। 1848 में ज्योतिराव फूले ने बहुजन समाज की नींव रखी और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और वो जो कारवां था उन्होंने शाहू जी महाराज के हाथों में सौंप दिया और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के मजबूत हाथों में बहुजन समाज की नींव रखने का एक मौका मिला। डॉक्टर अंबेडकर के 30 साल के कड़े संघर्ष के कारण उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला और उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें सब नागरिकों के लिए बराबर के अधिकार की गारंटी की और चतुर्वर्णीय ब्राह्मण व्यवस्था को सरे से खारिज किया उन्होंने। और भारत के अंदर समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान तो मैंने आपको लिख के दे दिया, लेकिन संविधान से सिर्फ आपकी कानूनी परिवर्तन हो सकता है, कानूनी तौर पर आपकी रक्षा होगी, सामाजिक और वैवाहिक तौर पर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सामाजिक और वैवाहिक बदलाव के लिए आपको सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा, शिक्षा पर जोर देना होगा और सांस्कृतिक तौर पर उस पर काम करना होगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षित, सांस्कृतिक और दार्शनिक के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। वो इतने बड़े महामानव हुए। तो संविधान से हमको सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षित अधिकार तो मिल गए, उससे हम सीएम, डीएम, प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित तो बन गए, लेकिन हमारी सामाजिक और धार्मिक हैसियत से आज भी हम शूद्र, अति शूद्र रह गए, जातियों में बटे रहे और हमारे साथ जाति अत्याचार है। इसका कारण है हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था जिसका हम पालन कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जब आपकी विचारों के लिए, आपके हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे थे, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी लड़ रहे थे और भारत की वर्ण व्यवस्था से भी लड़ रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों ने भारत में 600 साल से ज्यादा का कुछ राज किया, लेकिन कभी भी यहां के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े जाति, पिछड़े जो लोग हैं उनको कोई भी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने आप को ऊंचे दर्जे का कहते हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था के ऊपरी दर्जे के लोग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, उनके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता भी बनाया और उनको हर तरह के अधिकार दिए। मुगलों के दरबार में नवरत्न में काम करने वाला राजा मानसिंह, चंद्रभान, टोडरमल और बिरबल किस जाति विशेष के आदमी थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे के सारे अपर कास्ट के, लेकिन हमारे आदमियों को कोई भी अधिकार नहीं दिया। इसका क्या कारण है? इसलिए हमको इतिहास के परिपक्ष में जाने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास जानोगे फिर जाकर आपको सच्चाई का पता लगेगा इतिहास क्या कह रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1935 में हिंदू धर्म में होने वाले सामाजिक सुधारों से अपने आप को अलग कर दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सुधार नहीं हो सकता है, और सुधार के पीछे कारण क्या है, क्योंकि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, उन वर्ण व्यवस्था के तहत भारत जो है बहुत सारे जातियों में बटा गया है, और जाति भारत की समस्या है, गरीबी भारत की समस्या नहीं है, भारत की समस्या गुलामी, धर्म और जाति है, और जाति खत्म करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अपर कास्ट का आदमी आगे नहीं आता, वो यही कहता है कि कास्टिज्म है ही नहीं, लेकिन वो इसके खिलाफ मूवमेंट नहीं चलाता है। तो भारत के अंदर अगर जातियां, वर्ण व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगी तो भारत के अंदर बराबरी जो है वो आ सकती है। 1870 में विक्रम चंद्र चटर्जी, एक बंगाल के राइटर हैं, उन्होंने
अनंत मठ की एक किताब लिखी और उसमें इन्होंने हिंदुत्व का पहली बार जिक्र किया। और बाल गंगाधर तिलक ने उस हिंदुत्व शब्द का सपोर्ट किया, यानी समर्थन किया। और सावरकर ने 1921 और 1922 में हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी, जिन्होंने कहा कि हिंदू जो है और अखंड भारत का एक स्वरूप होगा। और 1925 के बाद दक्षिण कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो आज राइट विंग में है, उन्होंने इस शब्द को राष्ट्रवाद के तौर पर अपना लिया और लोगों में एक तरह की बलबला और हवा पैदा कर ली। अब मैंने क्या है, जब तक हमको सच्चाई का पता नहीं लगेगा हम हैं कहां। इसलिए संविधान के अंदर हर तरह के जो हमारे लिए राइट है, हमारे हक हुकूक हमको सुरक्षित कर लिया है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। लेकिन अगर भारत के अंदर संविधान खत्म हो जाता है मौजूदा स्थिति में, तो संविधान हम लोगों के रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो हम लोग विकलांग हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन पर बात करनी होगी। सबसे ज्यादा अपने लोगों को, हम लोगों को जागृत करना होगा। और एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल सिस्टम है जो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, र्यूमर, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फैसिज्म, रेसिज्म या प्रिस्टक्राफ्ट, विस्टक्राफ्ट पर है, उसको हमको कंप्लीटली खत्म करना है। और उसके बनिस्पत हमको समानता, स्वतंत्र, न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज और राष्ट्र का हमको निर्माण करना है। और पूर्वोत्तर भारत बनाकर डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों को हमने साकार करना है। लेकिन ये होगा कैसे, क्यों हमको ये जरूरत पड़ गई, क्या कारण है, किस तरीके से हमने करना होगा, क्यों? इनका जो हमारे काउंटर पार्ट है, हमारे हिंदू भाई भतीजे जो हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही साथी हैं। वो हमारे साथ जाति अत्याचार करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं। भला ही हमने पैसे में हम लोग मजबूत हो गए, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, हम अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठ गए, लेकिन जातीय जो भेदभाव है वो खत्म नहीं हुआ।